नमस्कार। हिंदी आचार्य की इतिहास की सीरीज में स्टूडेंट्स, आज हम मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये जो मेहरगढ़ एक साइट है जो कि बलूचिस्तान राज्य में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, तो यहाँ पर मिली है। और इसकी जो डेटिंग की गई है, तो डेटिंग इसकी है 7000 BCE, यानी कि लगभग 9000 साल पुरानी ये साइट है। अगर आपको BCE BCE के अर्थ में कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, ये जो मेहरगढ़ साइट है ये लगभग 9000 साल पुरानी है। ये साइट को 1974 में डिस्कवर किया गया था एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट यान फ्रैंकोइस जेरीज एंड कैथरीन जेरीज के द्वारा 1974 में ये डिस्कवर की गई थी। और ये एक नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक साइट का मतलब है कि यह एक नव पाषाण काल की साइट है और लगभग 9000 साल पुरानी साइट है। और इसकी जो सेटलमेंट्स है मेहरगढ़ में, वो मतलब 9000 साल पुराने भी निकली हैं और उससे थोड़ी नई वाली भी निकली हैं। मतलब अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग एजेस की सेटलमेंट्स यहाँ से मिली हैं खुदाई के दौरान। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो लोग रहा करते थे वो फार्मर्स एंड हर्डर्स थे। वो फार्मर्स थे, किसान थे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अनाज के सबूत मिले हैं। और वो हर्डर्स थे। हर्डर्स वो धीरे धीरे लेवल्स के अकॉर्डिंग बने हैं। अब देखिए कैसे पता चलता है कि जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे वो हर्डर्स धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे बने। तो खुदाई के दौरान बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जो नीचे वाले लेवल्स पर, तो हमें जो डियर है यानी कि हिरण है, हिरण और पिग के अवशेष यहाँ से मिले हैं खुदाई के दौरान। इससे यह पता चलता है कि यहाँ का जो इंसान था, आदि मानव था, वह इस समय पर अभी केवल शिकार ही खेला करता था। उसके बाद में उससे ऊपर वाले लेवल्स पर खुदाई के दौरान शीप एंड गोट मिली है, भेड़ बकरियां मिली हैं, उनकी बोन्स मिली हैं, जिससे पता चलता है कि इनको इंसान ने धीरे धीरे पालतू बनाना शुरू कर दिया था, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। तो यानी कि आदमी जो है, या मेहरगढ़ में रहने वाला आदमी जो है, वह हर्डर बन चुका था। और उसके ऊपर वाले लेवल्स पर यहाँ पर जो कैटल मिले हैं, यानी कि गाय भैंस आदि, वो मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि धीरे धीरे इंसान ने, पहले यह वह शिकारी था, धीरे धीरे वह हर्डर बन जाता है और जानवरों को पालतू बनाता है अपने इस्तेमाल के लिए। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर उगाया क्या क्या जाता था। बच्चों, यहाँ से गेहूं के अवशेष मिले हैं, यहाँ पर जौ के अवशेष मिले हैं, वीट एंड बाले, और इसी के साथ में यहाँ पर घर जो मिले हैं उनके बारे में देखते हैं बच्चों। तो ये जो घर है, ये घर रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं या स्क्वायरल भी हो सकते हैं, यानी कि आयताकार भी और वर्गाकार इनकी जो शेप है। और ये जो घर है, आप देख सकते हो इनमें कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे। ये घरों को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, 4 या 6 भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर लोग ऐसे रहते थे। और हो सकता है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है, कि इनमें से एक ऐसा भाग ग्रेनरी की तरह, यानी कि अनाज रखने वाले कमरे की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता होगा। और यहाँ खुदाई के दौरान कई डिजाइन के घर मिले हैं। देखिए यहाँ पर कंपार्टमेंट्स जो है हाउसेस के, वो थोड़े छोटे हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने दो तरह के नियोलिथिक साइट्स को पढ़ा है इंडिया की, मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। एक तो है पाकिस्तान बलूचिस्तान में, जिसे अभी हमने पढ़ा मेहरगढ़, और दूसरी है हमारी जहाँ पे पिट हाउसेस हैं कश्मीर में, बुरजाहों में, श्रीनगर में आर्कियोलॉजिकल साइट है, उसका भी आप वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो नियोलिथिक साइट्स हमारे भारत में जो मेन यही है दो, एक श्रीनगर वाली और एक ये मेहरगढ़ वाली, ये सबसे प्राचीन साइट्स मिली हैं। और इसी के साथ जो नियोलिथिक साइट्स होने के, इंसान के होने के जो सबूत मिले हैं, वो कोलधिलवा उत्तर प्रदेश, गुफकराल कश्मीर, हलूर आंध्र प्रदेश, और पय्यमपाली और बिहार में भी मिले हैं। तो इनके भी डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप मेरे चैनल के वीडियोस को देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आशा करती हूँ आपके लिए जानकारी उपयोगी साबित हुई होगी। इसी तरह के और ज्ञानवर्धक इतिहास से संबंधित या हिंदी से संबंधित वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।